हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टेक्नो कैमो 19 की। यस, हर डिटेल में आपको इस वीडियो में इसकी प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्या स्पेस होना है, क्या इसकी प्राइस पॉइंट है, सब कुछ। यस, ओनली हिंदी लैंग्वेज में, वो भी तो वीडियो काफ़ी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड यहाँ पर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन सेलेक्ट करने में यस अंडर 15,000 रुपये की प्राइस है, 15,000 रुपये का बजट है, उसके आसपास का बजट है। तो अगर आप बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो 100% आपके लिए है। टेक्नो कैमो 19 के स्पेक्स जब आप जान जाओगे तो क्या पता आप इसे बाय करने की यानी सोच भी लो एंड आप इसे बाय भी कर लो। स्पेसन पर एक नज़र डाल लेते हैं उससे पहले, तो डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको टेक्नो कैमो 19 नियो में आपको यहाँ पर 6.8 इंच की यस फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने के मिलती है 60 हर्ट्ज़ के हाई रिफ्रेश रेट के साथ, साथ में 120 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट, 20:9 का एस्पेक्ट रेट रेशियो। एंड यहाँ पर आपको सेंटर पंच होल फ्रंट डिज़ाइन में जो सेल्फी स्नैपर यानी नो वाटर ड्रॉप शेप डिज़ाइन, ओनली सिंगल पंच होल जो कि न्यू लुक के साथ आता है। एंड ये टेक्नो पावर 3 में भी आपको देखने में मिल रहा था, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले रहने वाला है, आउटडोर एंड इंडोर भी यूज़ करते टाइम कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। अब बात करते हैं बिल्ड एंड डिज़ाइन की। बैक से स्मार्टफोन दिखने में काफ़ी गुड लुकिंग एंड यहाँ पर आपको ऑसम देखने के मिलेगा। एंड रियर पर यहाँ पर आपको टेक्नो की ब्रांडिंग देखने मिलेगी यस। एंड यहाँ पर आपको साइड के बेजल्स एंड ऊपर नीचे के चिन्ह एवरेज देखने मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको उनमें कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। फ्रंट पर फुल ग्लास रहेगा, रियर पर पॉलीकार्बोनेट रहेगा, फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट की रहेगी। नीचे की तरफ टाइप सी का पोर्ट, स्पीकर ग्रिल एंड यहाँ पर आपको साइड में साइड माउंट एयर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम अप डाउन की एंड रियर पर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा LED फ्लैश के सपोर्ट के साथ। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी सॉलिड है, अगर आपके हाथ छोटे हैं तो ये आपको इशू क्रिएट कर सकता है बिकॉज काफ़ी बड़ा स्मार्टफोन है। चिपसेट की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको जो MediaTek Helio G85 प्रोवाइड किया गया है, जो कि यहाँ पर आपको MediaTek Helio G88 जो कि टेक्नो पावर 3 में प्रोवाइड किया गया है उससे थोड़ा यहाँ पर आपको यानी डाउनग्रेड है यहाँ पर आपको टेक्नो कैमो 19 में। तो अगर आपको यहाँ पर इसे थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन चाहिए टेक्नो जो पावर 3 की तरफ जा सकते हो। ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है चल से, उसको आप चेकआउट कर सकते हो एक बार। एंड्रॉयड 12 देखने लगेगा आपको टेक्नो कैमो 19 में। एंड यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 देखने लगेगा, UI हाई OS 8.0 पर ये आपको देखने लिए मिल जाएगा यानी रन करता है ये उस पर, जहाँ पर आपको थोड़े ऐप देखने लिए मिलते हैं। LPDDR4X का रैम टाइप रहने वाला है एंड यहाँ पर आपको इसकी परफॉर्मेंस डे टू लाइफ में तो अच्छा खासा परफॉर्म करेगी यस, कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग जिस प्राइस पर ये आपको टेक्नो प्रोवाइड कर रहा है। कैमरा की बात रहें, 64 का ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप आपको देखने लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको 64 का प्राइमरी एंड यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड यहाँ पर आपको तीसरा VGA वगैरह एक अलग से सेंसर कैमरा देखने मिलेगा जो कि फालतू है, उसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस है। एंड यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी स्नैपर सेंटर कंसोल में देखने मिलेगा जो कि आपके ब्यूटीफुल से फेस की ब्यूटीफुल इमेजेस फोटोज वीडियोस कैप्चर करके आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपको कैमरा में ऑल फिल्टर एंड जो फीचर्स का सपोर्ट देखने लिए मिल जाएगा यानी 20,000 से 15-20,000 वाले स्मार्टफोन जो फिल्टर एंड फीचर्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सभी देखने लिए मिल जाएंगे। बैटरी की बात करें, 5000 mAh की बैटरी यस 5000 mAh की बैटरी 18W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 18W 18W का फास्ट चार्जर बॉक्स में रहेगा टाइप सी के पोर्ट के साथ। अदर सेंसर साइड माउंट एयर फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक एंड यहाँ पर आपको जायरोस्मीटर, लाइसेंस सेंसर, प्रोक्सीमीटर, वो सभी सेंसर आपको आपको देखने लिए मिले टेक्नो कैमो 19 में, तो वहाँ पर आपको कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। वेरिएंट की बात करें तो गाइस ये आपको 4GB 128GB एंड यहाँ पर आपको 6GB 128GB यस वर्चुअल रैम का सपोर्ट ऑफ देखने मिलेगा यहाँ पर भी। अगर ये स्मार्टफोन का स्टार्टिंग का वेरिएंट यस जहाँ पर आपको 10,000 से 12,000 रुपये की प्राइस मिल सकता है, तो 100% इस तरफ आप जा सकते हैं बिकॉज डिस्प्ले भी बेटर है, कैमरा भी बेटर है एंड ऊपर से यहाँ पर आपको चिपसेट भी बेटर है, तो आप 100% इसकी तरफ जा सकते हो 12,000 से ऊपर अदर स्मार्टफोन पर यस 15,000 रुपये की प्राइस में, 15,000 रुपये के नीचे की प्राइस में बेस्ट स्मार्टफोन बता रखे हूँ फिर आप उनकी तरफ जा सकते हो अगर ये 12,000 से ऊपर चल जाता है तो। सो आई होप कि मैंने यहाँ पर आपको इसी स्मार्टफोन को बेस्ट ऑफर के साथ बाय करना है ना, तो लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, बट आपको एक बेटर आइडिया प्रोवाइड कर दिया होगा कि किस प्राइस रेंज में आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी थॉट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से बताना है।
ऐसी वीडियो देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे न्यू और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।